वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज। हमने पिछले क्लास में सेलों के बारे में पढ़ा था। सेल क्या होते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। मींस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो होता है सेल। और हमने सेलों का संयोजन भी पढ़ा था, क्या क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आज का हम लोगों का टॉपिक है किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। क्यों लगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या है, ओम का नियम पढ़ा था। हम लोग ओम के नियम से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओम का नियम क्या है, एक यूज होता है, ठीक है। और जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया, मीन्स जहाँ पे जटिल परिपथ आ गए, विद्युत परिपथ, तो वहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए क्या है, किरचॉफ का नियम का यूज होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? मीन्स हम लोग के पास अगर आसान सा परिपथ है जहाँ पे खाली अंश, लेकिन जहाँ पे जटिल वाला परिपथ आ गया तो वहाँ पे हम लोग ओम का नियम नहीं लगा सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ का करंट ला या तो वोल्टेज ला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आज देखेंगे हम लोग किरचॉफ का करंट ला, मीन्स किरचॉफ का धारा वितरण का नियम, ठीक है। इसने क्या किया, किरचॉफ ने दो नियम दिया, ठीक है। पहला जो नियम है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद दूसरा नियम देखेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, इसमें बोलता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। कोई सा भी एक बिंदु है, उस पर जितने भी धाराएं मिलेंगी उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो कैसा शून्य होगा देखते हैं, ठीक है। ये देखो, समेशन आई इक्वल टू जीरो मीन्स कोई सा भी बिंदु पर जितने भी धारा आएंगे, जितने भी करेंट, या तो इनकमिंग करंट हो या तो आउटगोइंग करंट हो, या तो धारा अंदर की ओर आती हो या तो बाहर की ओर जाती हो, तो उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु O है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस बिंदु पर बहुत सारी धाराएं क्या हो रही है, आ रही है और जा भी रही है, ठीक है। तो ये देखो आई वन बाहर की तरफ है, आई टू अंदर की ओर है, आई थ्री अंदर की ओर है, आई फोर क्या है बाहर की ओर है, आई फाइव अंदर की ओर है, आई सिक्स बाहर की ओर है, आई सेवन अंदर की ओर है, किस, इस बिंदु ओ पर, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जितना भी या तो आउटगोइंग करंट हो या तो इनकमिंग करंट हो, अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि आउटगोइंग करंट को या तो प्लस ले लें या तो माइनस ले लें, या तो इनकमिंग करंट को प्लस ले लें या माइनस ले लें। लेकिन जैसे कि आउटगोइंग करंट को अगर आप प्लस लेते हैं तो सारे आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और अगर इनकमिंग करंट को प्लस लेते हैं तो सारे इनकमिंग करंट को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ऐसा नहीं कि एक आउटगोइंग करंट को प्लस लेंगे, एक इनकमिंग करंट को प्लस लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका जो आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे जितना भी आउटगोइंग करंट है उसको प्लस लिया है और जितना भी इनकमिंग करंट है उसको क्या लिया है, माइनस लिया है, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट मतलब जो बाहर की ओर धाराएं जाती हैं उसको आउटगोइंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये आई वन जो है प्लस में है तो आई वन, और आई टू जो है अंदर की ओर है मतलब इसमें माइनस आई टू कर दिया, ठीक है। और आई थ्री जो है ये भी अंदर की ओर है तो इसमें माइनस आई थ्री कर दिया। अब देखो आई फोर ये बाहर की तरफ है तो प्लस आई फोर हो गया, आई फाइव अंदर की ओर है तो यहाँ पे माइनस आई फाइव हो गया। अब देखो यहाँ आई सिक्स अंदर बाहर की ओर है तो यहाँ पे प्लस आई सिक्स हो गया, और यहाँ पे आई सेवन जो है अंदर की ओर है तो ये क्या हो गया, माइनस आई सेवन हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया जी। चलो ठीक है, यहाँ पे एक तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु ओ है, ठीक है, ये बिंदु ओ है मान लो, ठीक है। तो ये जो है धारा, देखो बहुत सारी धारा यहाँ पे आउटगोइंग भी है इनकमिंग भी है, ठीक है। तो ये जो है 4 एम्पियर आउटगोइंग है, 7 एम्पियर आउटगोइंग है, 9 एम्पियर क्या है इनकमिंग है, मींस अंदर की ओर आ रही है धारा, और 2 एम्पियर क्या है बाहर की ओर जा रही है, 5 एम्पियर अंदर की ओर मींस इनकमिंग करंट है, और 8 एम्पियर क्या है ये भी इनकमिंग है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, जस्ट यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 4 एम्पियर से, तो आउटगोइंग है मींस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आऊंगा तो 7 एम्पियर क्या है ये भी आउटगोइंग करंट है, मींस ये भी प्लस हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो ये 9 एम्पियर जो है वो इनकमिंग करंट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, 2 एम्पियर आउट गोइंग करंट है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा। 5 एम्पियर क्या होगा, अंदर की ओर है, मीन्स माइनस 5 हो जाएगा। ये 8 एम्पियर क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि अंदर की ओर है। और 13 एम्पियर क्या है, बाहर की ओर जा रही है, तो 13 प्लस हो जाएगा। और ये 1 एम्पियर क्या है, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आउट गोइंग करेंट है। मैंने क्या लिया है, जितना भी आउट गोइंग करेंट है उसको प्लस लिया है, और जितना भी इनकमिंग करेंट है उसको क्या लिया है, माइनस लिया है, ठीक है। तो चलो इसको अगर ऐड करें तो सारे प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आया, सारे प्लस वाले को जब मैं ऐड किया, 4, 7, 11, 11, 13, 24, 2, 26, 1, 27, और जिसने माइनस वाले को किया तो 9, 8, 17, 17, 5, 22। तो यहाँ पे जो बिंदु O पर टोटल करंट क्या आया, I = 5 एम्पियर, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब देखो ये तो जो है ये प्रथम नियम है, ये केवल खुले के लिए होता है, मीन्स ये खुला परिपथ जहाँ पे दिया है और उसमें धाराएं आ रही है, कोई सभी बिंदु दिया है तो उसके लिए यूज होता है। लेकिन जब बंद परिपथ हो तब वहां पे क्या होगा, तो बंद परिपथ के लिए किरचॉफ ने एक दूसरा नियम दिया कि बंद परिपथ के लिए कैसे हम लोग वहां पे धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये केवल धारा निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है, ओनली ये करेंट्स ला है, ठीक। तो देखो द्वितीय नियम से क्या है, किसी भी बंद या पास या लूप, बंद लूप किसको बोलेंगे, मींस एक जहां भी एक बंद परिपथ होगा तो उसको हम लोग लूप बोलेंगे, उसको हिंदी में बोलते हैं पास, ठीक है। कोई सभी एक बंद परिपथ दिया है तो उसको हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सभी परिपथ की अगर बंद क्या है, लूप है, ठीक है, तो उसके विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग, उसमें जो उपस्थित होंगे विभिन्न धारा और संगत प्रतिरोध जो होंगे उनके बीज गणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि कोई सभी अगर बंद परिपथ दिया है तो उसमें जो विद्युत वाहक बल होंगे, विद्युत वाहक बल होगा या तो विभवांतर होगा, ठीक है, तो उसका जो बीज गणितीय योग के क्या होगा, वहां पे जो उपस्थित प्रतिरोध और धारा जो होंगे उसके गुणनफल के बराबर होंगे, ठीक है। उनका जो गुणनफल होगा उसका बीज गणितीय योग के बराबर होगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, मीन्स, या फिर यहाँ पे समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर हो जाएगा, मीन्स आई और आर क्या है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है, उसका गुणनफल के बराबर होगा, मीन्स जो विद्युत वाहक बल होंगे उसके क्या होंगे, उस परिपथ के धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये एक बंद परिपथ है, ठीक है, ये एक बंद परिपथ है, बंद है कि नहीं, खुला थोड़ी है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारा खुला परिपथ है, यहाँ पे कोई सा बंद है नहीं है, ठीक है। तो जब खुला बंद परिपथ है तो ये देखो यहाँ पे ये एक बंद परिपथ है, यहाँ पे एक बंद परिपथ है, ठीक है, समझ आएगी। तो इसी को बोलते हैं, ये जो है लूप बोलते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक एक परिपथ क्या है, बंद परिपथ है, यहां से यहां तक एक बंद परिपथ, मींस इसमें टोटल कितना परिपथ है, बंद परिपथ, दो बंद परिपथ है, दो बंद परिपथ है, तो यहां पे दो वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अब लूप लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लूप के लिए हम लोग यहाँ पे धारा को मान लेंगे I1 इसको देखो, या तो I2 मान लेंगे, ठीक है। इसको जो है ये जो लूप है यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको हम लोग क्या मान लिए, I1 मान लिए जो लूप है, ठीक है, और इसमें क्या है I2 मान लिए, ठीक है। अब ये देखो I1 I2 क्यों माने हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे धारा का मान निकालना है, क्योंकि ये धारा का वितरण नियम है, इसीलिए हम लोग क्या मानना है, यहाँ पे I1 मान लेना है, ठीक है, और यहाँ पे I2 मान लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो है ऐसा माने हैं, मीन्स ये क्या है, ये क्लॉकवाइज का सिंबल है, मीन्स घड़ी के, और अगर आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही क्यों लिया, ऐसा मत सोचना, ठीक है, मैं लिया हूँ क्लॉकवाइज, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 ले लिए हैं, ठीक। अब देखो जैसे कि हम लोग इस लूप के हिसाब से क्या करते हैं, जैसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे पूरा घूमते हुए जाते हैं ऐसे, और इसमें जितने भी धारा और क्या है प्रतिरोध है उनका
गुणनफल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, माने हैं इसको ये प्लस माइनस है, ठीक है, वी वन है और ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री, आर फोर है और इसमें वी टू है, ठीक है। तो चलो लूप की सहायता से हम लोग इसमें क्या करना है, घूम जैसे 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 लूप जाते जाएगा उसे वैसे हम लोग को चिन्ह के साथ ही लेना है, ठीक है। जहां पे जैसा चिन्ह रहेगा वैसे लेना है। तो देखो अगर यहाँ से मैं गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पहले चिन्ह आ रहा है, माइनस आ रहा है जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस भी वन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस भी वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर से जैसे ही हम लोग क्लॉक वाइज जाते गए स्टार्ट किए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस भी वन हो गया। अब देखो ये आर वन है, ठीक है, प्लस I1 into R1। अब देखो इसके साथ गुणा क्यों नहीं हुआ, इसके साथ I1 का गुणा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि R equal to VI into नहीं होता है, I equal to V upon R होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हो जाता, बट वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V equal to क्या है, IR है, IR का गुणनफल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 into R1 हो जाएगा। अब देखो R2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो R2 जो है I1 और I2 दोनों के बीच में है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। R2 जो है I1 और I2 जो लूप है दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस R2 I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। R2 के लिए क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि I2 के लिए लूप के लिए चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 ये क्या हो जाएगा, I2 R2, ठीक है, सॉरी R2 का क्या होगा, ये देखो अब R2 जो है फिर इन दोनों के बीच में I2 और I1, ठीक है। जब हम लोग I2 के लिए देखेंगे तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, जब यहाँ पे देख रहे थे तो R2 को तो क्या हो रहा था, I1 माइनस R2, मीन्स फर्स्ट लूप के लिए देखेंगे तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, जबकि सेकेंड लूप के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ये I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस R3 I2, ठीक है, ये R3 I2, ये तो बीच में नहीं है, अगर यहाँ ऊपर में रहता, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक और रहता तो वहां पे फिर होता I3 माइनस I2, ठीक है, ऐसा हो जाता। अब फिर क्या हुआ, R3 I2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R4 I2, ठीक है, प्लस R4 I2 होगा, सॉरी यहाँ पे मैं R2 लिख दिया था, यहाँ पे क्या होगा, R4 I2, फिर अब देखो यहाँ से जैसे ही घूम रहे हैं तो ये किस क्या है, वी टू आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वी टू इक्वल टू जीरो, समझ आया कि नहीं। चलो एक बार और बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से, हम लोग दो इसमें बंद परिपथ लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम केवल बंद परिपथ के लिए ही उपयोग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई वन को हम लोग लूप जो लिए हैं इसको आई वन मान लिए हैं, और यहाँ का जो लूप है इसको आई टू मान लिया, हम इसको हम लोग क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो क्लॉक वाइज में क्या होगा, पहले हम लोग गए तो क्या आया, माइनस आया, बी वन आया, तो माइनस बी वन प्लस आई वन आर वन। अब देखो आर टू जो है आई वन आई टू दोनों के बीच में है, तो प्लस आर टू आई वन माइनस आई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ से गए तो आप देखो पहले आर टू से गए, ठीक है, तो आर टू आप देखो इन दोनों के बीच में, तो आई टू माइनस आई वन, देखो इसमें बस कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे आई वन माइनस आई टू लिए और कहाँ पे आई टू माइनस आई वन लिए। जैसे कि लूप टू के लिए ले रहे हैं तो क्या हो गया, आई टू माइनस आई वन, और लूप वन के लिए ले रहे हैं तो आई वन माइनस आई टू हो जाएगा, प्लस आर थ्री आई टू प्लस आर फोर आई टू, यहाँ पे आर फोर आई टू माइनस बी वन बी टू, सॉरी यहाँ पे माइनस बी टू, जैसा जैसा चिन्ह आते जाएगा वैसे वैसे ही करते जाना है, ठीक है। अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो पूरा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जब देखते हैं तो देखो यहाँ पे दो बंद परिपथ है, ठीक है, इसको हम लोग आई वन मान लिए, इसको आई टू मान लिए, यहाँ पे इसका जो है फाइव वोल्ट है, यहाँ पे फाइव ओम है, यहाँ पे फोर ओम है और थ्री ओम है, और थ्री ओम है सेवन ओम है। अब देखो यहाँ से हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, आप आई वन आई टू का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये धारा वितरण नियम है, तो हम लोग को क्या निकालनी है, धारा निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे कि लूप वन को लिए मैं देखता हूँ, इसको लूप वन है, फिर लूप टू के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो लूप वन के लिए देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टार्ट मैं कहाँ से किया हूँ, ये देखो माइनस फाइव आई वन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया,
माइनस फाइव आई सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है जैसे कि फाइव को ये लूप वन को कंसिडर करते हैं तो ये फाइव जो है क्या हो जाएगा फाइव आई वन प्लस फोर। अब देखो ये जो फोर ओम है वो आई वन आई टू दोनों के बीच में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग जब लूप वन के देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन माइनस आई टू हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा देखो अब यहाँ से जैसे क्या ये तो हो गया फिर ये हो गया अब बचा क्या यहाँ पे ये बचा तब ये लूप कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो फाइव आई वन अब ये फोर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर आई वन माइनस फोर आई टू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फोर प्लस फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन आई वन माइनस क्या हो जाएगा फोर आई टू इक्वल टू फाइव। ये तो माइनस फाइव को उधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो गया फाइव हो गया। अब ये क्या हो गया इक्वेशन वन मान लेते हैं। आप देखो लूप टू को कंसिडर करते हैं जब लूप टू को लेते हैं तो फोर ओम क्या है फिर इन दोनों के बीच में है। ठीक है तो अब क्या होगा लूप टू को जब ले रहे हैं तो ये आई टू माइनस आई वन हो जाएगा। तो देखो फोर आई टू माइनस आई वन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर थ्री आई टू हो जाएगा और ये भी क्या है ऐसे जा रहे हैं तो थ्री आई टू हो जाएगा और प्लस सेवन आई टू इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें फोर आई टू माइनस फोर आई वन प्लस थ्री आई टू प्लस थ्री आई टू प्लस सेवन आई टू। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर आई वन और ये टोटल क्या हो जाएगा सात तीन दस तीन तेरह चार सत्रह आई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है मैं तो यहाँ पे क्या लिया हूँ एंटी क्लॉकवाइज लिया हूँ सॉरी क्लॉकवाइज लिया हूँ। अगर आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो बस डिफरेंस ये आएगा ये जो I1 माइनस I2 जो मैं ले रहा हूँ वो तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा या फिर तो क्या होगा I2 प्लस I1 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं तो क्या होगा ये देखो यहाँ पे I2 माइनस I1। ठीक है तो ये आ गया माइनस फोर आई वन प्लस सेवनटीन आई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो हम लोग ये दो ठो इक्वेशन मिल गया नहीं ना ये वाला एक ठो इक्वेशन मिला इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू। अब हम दोनों को क्या हम लोग को करना ये है कि हम लोग को यहाँ पे आई वन आई टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे तो कैसे आएगा अब देखो नाइन और फोर को तो एक दूसरे को काट सकते हैं नहीं। आप कोई सा भी नियम लगा के यहाँ पे आई वन आई टू का बस वैल्यू निकालना है यहाँ से मैथमेटिकल है। ठीक है तो देखो इसमें हम अगर फोर का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें नाइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स ये भी फर्स्ट वाला आई वन जो है थर्टी सिक्स हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो एक का वैल्यू आएगा फिर हम लोग उस एक वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग को दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है तो जैसे कि इसमें फोर का मल्टीप्लाई किया समीकरण एक इंटू फोर और समीकरण दो इंटू नाइन। ठीक है तो ये क्या आया थर्टी सिक्स आई वन माइनस सिक्सटीन आई टू इक्वल टू ट्वेंटी आ गया इसमें और इसमें क्या है माइनस थर्टी सिक्स आई वन प्लस वन फिफ्टी थ्री आई टू इक्वल टू जीरो आया। तो यहाँ से हम लोग जब इसको काटे तो आई वन से आई वन क्या हो गया कैंसिल हो गया थर्टी सिक्स आई वन से माइनस थर्टी सिक्स आई वन ये कैंसिल हो गया बचा क्या ये बचा तो वन थर्टी सेवन आई टू इक्वल टू हो गया ट्वेंटी। अब आई टू इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन वन थर्टी सेवन एम्पियर हो जाएगा। ठीक है इसको हम लोग जस्ट पक्षांतर कर देंगे। ठीक तो अब देखो ये यहाँ पे आई टू का वैल्यू आ गया। अब देखो इस आई टू का वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखो तो क्या का वैल्यू आ जाएगा आई वन का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या है इसको आई टू का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण इसमें रखते हैं ये वाले समीकरण में तो क्या हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स आई वन प्लस वन फिफ्टी थ्री ट्वेंटी अपॉन वन थर्टी सेवन। ठीक है आई टू का जो मान है ट्वेंटी अपॉन वन थर्टी सेवन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री जीरो सिक्स जीरो आएगा अपॉन वन थर्टी सेवन आएगा और उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है अब देखो दोनों माइनस में है तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए आई वन का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा आई वन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा थ्री जीरो सिक्स जीरो अपॉन वन थर्टी सेवन यहाँ पे क्या है इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिविजन में हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आया फोर एट थ्री टू एम्पियर। ठीक है इसको आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन अभी यहाँ तक ठीक है बाकी क्या है हम लोग को चाहिए था क्या आई वन और आई टू का वैल्यू। समझ आया कि नहीं किरचॉफ का दोनों नियम। ठीक है पहला जो नियम है वो किसी भी बिंदु पर जितने भी धाराएं आती हैं वहां के लिए क्या होगा वहां का इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा और इसमें क्या होगा
ओनली ये क्लोज्ड सर्किट के मींस बंद परिपथ के लिए ही ये जो है लूप वाला यूज होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आप देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो है, ठीक है, जो भौतिक शास्त्र का वैज्ञानिक था, एसी क्या है, व्हीटस्टोन, ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि किसी भी चालक का हम लोग प्रतिरोध बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि वो क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए, मीन्स संतुलित अवस्था में होना चाहिए, तो हम लोग किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिज टाइप से एक बनाया। ठीक है, जैसे कि इसमें लिए हैं, ये ब्रिज लिए हैं, एक ब्रिज है, ठीक है, जहां पे पी क्यू आर एस क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज और बता दूं कि ए और सी के बीच, बिंदु ए और सी के बीच यहाँ पे क्या क्या लगा है, ये एक सेल ई लगा है और कुंजी के वन लगा है, कुंजी के वन मीन स्विच के वन है, और बिंदु बी और डी के बीच क्या लगा है, बी और डी के बीच जो है पी और क्यू प्रतिरोध है, और उसमें क्या लगा है, ये जी लगा है। जी क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, जहां पे हम लोग धारा को नापते हैं। ठीक है, तो वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, लेकिन संतुलन की स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ का जो प्रतिरोध होगा संतुलन की अवस्था में जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब परिपथ में हम लोग जब परिपथ में स्विच के वन को जब ऑन करेंगे, ठीक है, तो अगर स्विच के टू को भी ऑन, जिस समय हम लोग अगर स्विच के वन को ऑन करते हैं, ठीक है, उसके तो इसमें ए और सी में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, मीन्स ये व्यवस्थित रूप से रहते हैं। उसी प्रकार जब के टू को भी ऑन करते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तब के केस में जो ये होगा ये संतुलित अवस्था में होगा, तब यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान आएगा वो क्या होगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? मतलब कि जब हम लोग स्विच के वन को जब ऑन करेंगे तो ये जो बिंदु ए और सी है उसमें जो उपस्थित प्रतिरोध है, ठीक है, तो सेल के कारण उसमें कुछ भी व्यवस्था में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग के टू स्विच के टू को जब ऑन करते हैं तो ऊपर वाले भी ये जो पी और क्यू है उस प्रतिरोध में भी कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, मीन्स जब स्विच के वन को भी ऑन करते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं आता है, और स्विच के टू को भी जब ऑन करते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं आता है, जब दोनों स्विच को ऑन करते हैं कुछ चेंजेस नहीं आता है, तब के केस में जो यहाँ पे जो प्रतिरोध होंगे वो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होंगे। समझ आए कि नहीं? आप देखते हैं इसको हम लोग व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है, सूत्र की सहायता से, तो यही इसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या ले लिए, पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध है और ए बी सी डी चार जो है पॉइंट है जिसको हम लोग चतुर्भुज के रूप में लिए हैं। ठीक है, और ई जो है सेल है, स्विच के वन है, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग धारा ले लेते हैं। ठीक है, अब अलग अलग बिंदु पे तो अलग अलग धाराएं होंगी। ठीक है, तो आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर चार धाराएं ले लेते हैं। ठीक, समझ आया कि नहीं? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, ठीक, अब ये जैसे प्लस से जुड़ा है तो प्लस से धाराएं क्या होती है, बाहर की ओर जाती हैं, तो देखो आई वन और आई थ्री क्या है, बाहर की ओर जा रही है, लेकिन माइनस से क्या होता है, अंदर की ओर आता है, तो ये आई टू जो है क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं? तो देखो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में ये जो है जी का मान जीरो हो जाएगा, मीन्स आई जी करेंट हो जाएगा, आई जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। समझ आया कि नहीं? मीन्स इसमें कुछ भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अंदर में कुछ भी धारा नहीं बहेगी, तो संतुलन की स्थिति में आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जब आई जी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, आई वन और आई टू का मान इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? मीन्स अगर इस बिंदु पर देखा जाए, अगर आई जी का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस बिंदु पर अगर आई जी का मान जीरो हो जाएगा, समझ आया कि नहीं? तो देखो एक इनकमिंग करंट है, एक आउटगोइंग करंट है। समझ आया कि इस बिंदु, जो बिंदु बी को देखेंगे, ठीक है, तो एक इनकमिंग करंट क्या है,
ये आई वन है और आउटगोइंग करंट क्या है आई टू है, ठीक है, और ये आई वन आई जी क्या है, ये भी आउटगोइंग करंट है, लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या होगी, आउटगोइंग करंट का मान जीरो होगा, तो क्या होगा आई वन इक्वल टू आई टू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु डी पर, ठीक है, आप देखो बिंदु डी पर, ठीक है, यहां भी क्या होगा, ये जो है ये आई थ्री क्या है इनकमिंग करंट है और आई फोर क्या है आउटगोइंग करंट है और आई जी क्या है इनकमिंग करंट है, लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या होगा आई जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आई थ्री इक्वल टू आई फोर यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, आई माइनस आई थ्री, यहाँ पे बिंदु डी पे माइनस आई थ्री आया, ठीक है, प्लस आई फोर माइनस आई जी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा आई जी इक्वल टू जीरो, जहां आई जी क्या है गैल्वेनोमीटर करेंट है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर धारा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर इसको करेंगे पक्षांतर करेंगे आई जी इक्वल टू जीरो हो गया तो आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आई फोर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। देखो व्हीटस्टोन सेतु में ये जो है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों यूज होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये देखो अभी पहले बिंदु के लिए निकाल लिए, मीन्स इनकमिंग करंट आउट गोइंग करंट के लिए, अब क्या निकालेंगे लूप लेंगे, ठीक है, लूप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लूप बनेगा, देखो कितना है एक ठो और दो ठो, दो लूप बनेगा, ठीक है, तो एक लूप क्या होगा ए बी डी ए, एक लूप कंप्लीट हो गया, अब दूसरा लूप क्या होगा बी सी डी बी, दूसरा लूप हो जाएगा, ठीक है, तो पहले लूप को चलो देखो, पहले लूप को जब देखेंगे ए डी बी ए पर क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम से क्या होगा यहाँ पे आई वन पी, आई वन पी यहाँ पे देखो प्रतिरोध यहाँ पे आर है तो आई आर था, ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन पी, ठीक है, जब ऐसे घूम रहे हैं तो आई वन पी प्लस आई जी जी, ठीक है, यहाँ पे आई जी करेंट है और जी क्या है गैल्वेनोमीटर है, तो प्लस आई जी जी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे जब गए तो ये जो है क्या है आई थ्री इधर अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो करंट क्या है अपोज हम ही लोगों के डायरेक्शन में आएगी, तो वहां पे क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो माइनस आई थ्री आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में अगर करंट आता है तो उसको माइनस लेंगे, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट जाता है तो उसको क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है जब इधर से हम लोग आ रहे हैं लूप लेते क्लॉकवाइज तो आई थ्री क्या है हम ही लोग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई थ्री आर इक्वल टू जीरो, तो आई वन टी इक्वल टू क्या होगा आई थ्री आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी सी डी बी, अब बी सी डी बी में चलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बी सी डी में अगर स्टार्ट करें आई टू क्यू, ये क्या है पहले आई टू क्यू को लेते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ से आई फोर भी हम लोग जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो आई फोर क्या हो रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है जी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई फोर एस हो जाएगा, माइनस आई फोर एस। अब देखो ये आई जी जी ये भी क्या हो रहा है हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस आई जी जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स अगर सेम हम लोग का जो डायरेक्शन है वो अगर सेम डायरेक्शन में रहा चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो तो हम लोग वहां पे क्या लेंगे प्लस लेंगे, और हम ही लोग के डायरेक्शन में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो क्या लेंगे वहां पे माइनस लेंगे, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संतुलन की स्थिति में आई जी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई टू क्यू इक्वल टू आई फोर एस, ठीक है। अब देखो समीकरण तीन और समीकरण चार को एक दूसरे को हम लोग क्या कर देते हैं भाग दे देंगे, तो यहाँ से क्या होगा आई वन बी अपॉन आई टू क्यू इक्वल टू आई थ्री आर अपॉन आई फोर एस, ठीक है। हम लोग इक्वेशन वन और टू में देख चुके हैं कि आई वन इक्वल टू क्या है आई टू है और आई थ्री इक्वल टू क्या है आई फोर है, ठीक है, तो यहाँ पे आई वन इक्वल टू या तो यहाँ पे आई टू रख सकते हैं, यहाँ भी आई टू है, ठीक है, आई थ्री इक्वल टू आई फोर है तो आई फोर यहाँ पे मान लो आई फोर अपॉन आई फोर, आई फोर आई फोर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे आई वन इक्वल टू आई टू रख देते हैं तो आई टू आई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा लास्ट में पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि किसी भी चालक का अगर
संतुलन अवस्था में है, तो उसके प्रतिरोध को हम लोग आसानी से ज्ञात